राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में पुष्कर मेले की छुट्टी के कारण बड़ी संख्या में लोग परेशान हुए, जिन्होंने अजमेर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर राहत की मांग की है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से माइग्रेशन और पात्रता लेने के लिए कई लोग बोर्ड ऑफिस कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह अपने जिले से बोर्ड ऑफिस कार्यालय में अनुमति लेकर आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद अचानक पुष्कर मेले की छुट्टी बता दी गई और उनकी तारीख भी आगे बढ़ा दी गई, लेकिन आगामी 3 दिन तक सरकारी छुट्टी है। ऐसे में वह हजारों रुपए खर्च कर अजमेर पहुंचे और यहां अब कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट पर अपना विरोध जाहिर करते हुए इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है और उनके दस्तावेज लेने और उस पर कार्रवाई कर कोरियर से भेजने की बात कही, जिससे कि उन्हें राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि वह बेरोजगार हैं और हजारों रुपए खर्च कर आना जाना संभव नहीं है। सर, हम पात्रता लेने के लिए आए हैं सभी, और सभी लगभग यहाँ से बताता हूँ कम से कम 300 या 400 किलोमीटर दूर से आए और प्लस अपनी गाड़ी लेके आए, 600 से 700 रुपए खर्च करके आए। आज सर ये स्थिति है कि हम आप डीओ ऑफिस पहुँचे तो गेट पे बोल दिया कि छुट्टी है, तो सर हमारा तो ये वैसी पॉकेट कट गई ना, हमारा तो कोई सेंस नहीं है। तो सर हम तो ये चाहते हैं कि हमें पात्रता दे दी जाए और आगे भी 3 दिन की छुट्टी है, इसलिए हम चाहते हैं कि आज ही दे दी जाए हमारे लिए पात्रता। डीओ ऑफिस सर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से। पहले फोन करके आए थे लेकिन पहले आप ये कह रहे थे कि सर अभी तो 3 दिन की और छुट्टी है, 3 दिन की और छुट्टी है, और आज पुष्कर मेले की वजह से कलेक्टर साहब ने पर्सनली छुट्टी की है, तो इसलिए आज आपका नहीं हो पाएगा। सर मैं खुद भरतपुर से आया हूँ, ये सीकर से आया है। आपका नाम? मेरा नाम कपिल है सर जी, बताइए भैया। हाँ मैं पात्रता के लिए आया हूँ सर बारह से, और अभी वहाँ गए तो वहाँ वही आदेश मिला कि भाई कि यहाँ छुट्टी है और पुष्कर मेले की वजह से कलेक्टर ने छुट्टियाँ कर रखी है। कहाँ पर आए? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। तो बात हुई तो वहाँ गार्ड साहब मिले, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे छुट्टी है तो आप 1 तारीख तक, 1 तारीख के बाद ही आना। प्रदीप कुमार बेरवा।